चलिए हम आज की वीडियो में जानेंगे आप विधवा पेंशन कैसे देख सकते हैं। अधिकांश लोग चाहे अधिकांश यूट्यूबर बताए होंगे वृद्धा पेंशन देखने के लिए, विकलांग पेंशन देखने के लिए, लेकिन विधवा पेंशन देखने के लिए कोई नहीं बताया होगा और अधिकांश लोग इसे सर्च भी नहीं करते हैं और ढूंढने भी नहीं पाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे विधवा पेंशन देख सकते हैं, आम कितनी महिलाओं को विधवा पेंशन मिलता है वो सब हम चेक करना बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं, चाहे किसी को बता सकते हैं कि उसका पेंशन आया है कि नहीं, क्योंकि पेंशन आना चालू हो गया तो सबका पेंशन आ रहा है, वृद्धा हो, विकलांग हो, चाहे विधवा पेंशन हो, सबका आ रहा है। तो वही चेक करना आपको बताएंगे कि विधवा पेंशन कैसे चेक करना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको देखिए हमने ऐसे टाइप किया पेंशन, पेंशन टाइप करेंगे तो एक आ जाएगा पेंशनर पोर्टल, इसको आपको टच नहीं करना है, छूना नहीं। उसके बाद दूसरी वेबसाइट आ जाएगी sspy-up.gov.in, इस वेबसाइट को आपको छूना है, इसे को टच कर देना है, ये ओपन होकर आ जाएगा। ओपन होने के बाद आपको एक सिंपल छोटा सा काम करना है, आप साइड में देख पा रहे होंगे थ्री डॉट लाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर इसको डेस्कटॉप मोबाइल में कर लेना है, जैसे कि आपका मोबाइल में अभी था अब हो गया डेस्कटॉप लैपटॉप जैसे आपका शो करने लगेगा, अगर मोबाइल में रहेगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, वो आधा कट जाता है और ऐसे आपको पूरा दिखाई देगा कहाँ क्या लिखा है। इसे थोड़ा सा हम जूम करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन। तो जो निराश्रित महिला पेंशन है इसे ही विधवा पेंशन कहा जाता है। तो एक बार ध्यान में रखिए, अगर आप ढूंढ रहे होंगे कि विधवा पेंशन कहाँ लिखा हुआ तो आप ऐसे ढूंढने से आपको नहीं मिलेगा, आपको निराश्रित महिला पेंशन पर ही क्लिक करना है। उसके साइड में आप नीचे देख रहे होंगे योजना के विषय में, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो एक और पेज आ जाएगा, तो इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है, इसे आपको स्क्रॉल अप कर देना है। जैसे ऊपर करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पेंशनर सूची 2022 और 2023, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ से अपना डिटेल भरना है, मतलब आपका जिला कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है और गांव कौन सा है, जो आपका जिला होगा यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम किसी एक जिले का उसके गाँव और ब्लॉक का ले लेते हैं, जैसे देवरिया जिला है तो हम इसे देवरिया जिला ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे, दो ऑप्शन आ जाता है, पहला आ जाता है महिला जो ग्रामीण क्षेत्र में है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो ऊपर वाला है यहाँ पे ब्लॉक का है, और अगर शहरी क्षेत्र गए तो यहाँ पे शहरी क्षेत्र में आप रहते हो यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम ग्रामीण क्षेत्र से दिखाते हैं, तो यहाँ पे अपना जो ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि पथरदेवा एक ब्लॉक है, लौर है, गौरी बाजार है, रामपुर है, तो हम चलिए पथरदेवा का ले लेते हैं। अब जैसे पथरदेवा का लेंगे तो आप यहाँ पे अपना गाँव सेलेक्ट कर लेंगे, जो आपका ग्राम पंचायत होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि हमारा आनंद नगर, बाबूपट्टी, बघौच घाट, तो चलिए हम बघौच घाट को ही सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर वाला। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे बघौच वाले ग्राम सभा में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले दूसरे तीसरे क्वार्टर, अभी चौथा बाकी है, तो चौथा बता देते हैं। जिन महिलाओं को अभी तक पेंशन नहीं आया तो घबराइए मत, आपका पेंशन आएगा, कुछ लोग का आ चुका है, कुछ लोग का आने वाला है, धीरे धीरे करके सरकार पैसा दे रही है, तो आप घबराइए मत, आपको कहीं जाना नहीं है, आपका पेंशन आएगा अगर आप KYC कराएंगे तो 24 वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप 24 वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पूरा डिटेल, जिस महिला का है वहाँ पर आ जाएगा, तो पूरा आप यहाँ से देख सकते हैं कितने पैसा आया है, कितने 6,000, 9,000, 3,000 ट्रांसफर हुए हैं। तो आप ऐसे अपने ग्राम सभा में किसी भी महिला का आप नाम एवं यहाँ से देख सकते हैं, पिता का, पति का नाम देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन संख्या आप आसानी से देख सकते हैं। तो ऐसे आप वृद्धा पेंशन ऑनलाइन चेक कर सकते हैं मोबाइल से ही। तो जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही जानकारी के लिए अपने ग्राम सभा के बारे में कोई भी जानकारी आती है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहता हूँ।